प्रथम तहलका न्यूज। लगातार महंगे होते जा रहे पेट्रोल व डीजल के दामों पर अब आम आदमी के साथ साथ विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अम्बाला में पेट्रोल 88 रुपए और डीजल 81 रुपए तक जा पहुंचा, तो वहीं लगातार सिलेंडर पर कम की जा रही सब्सिडी के बाद महिलाएं भी परेशान हैं। रोजाना लगातार पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ने लगे हैं, तो वहीं अब नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनकी माने तो सरकार आम जनता पर जुल्म करने को उतारू हो गई है। इस कोरोना काल में और जहां पूरे देश का अन्नदाता, मजदूर, किसान सड़कों पर है, इस समय में भाजपा सरकार और मोदी सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दिया। सीधा डीजल के ऊपर आज 90 के करीब डीजल पहुंच गया है। पेट्रोल 90 के आसपास है और डीजल 80 रुपए के आसपास है। आठवां दिन आज लगातार हो गया डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होते हुए। और यही नहीं, आम घर का बजट, आम गृहिणी का बजट, जो सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर जो इन्होंने कीमतों में वृद्धि की है, उससे आम घर का बजट बिल्कुल चौपट हो गया है। पिछले 2 महीनों के अंदर 175 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए, कहां दिसंबर में यही सिलेंडर 500-600 के बीच में आता था, आज 770-75 के आसपास। देखिए जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आई है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, पेट्रोल के ऊपर 8 गुना यानी 800% ज्यादा बढ़ चुकी है एक्साइज ड्यूटी, और डीजल के ऊपर 500% यानी कि 5 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरावट आई, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगातार बढ़ा करके जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया। 20 लाख करोड़ का अंदाजा है जो 6 सालों के अंदर मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जनता से वसूले हैं। नेताओं ने जहां महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं गृहिणियों ने सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में घर चलाने में दिक्कत होने लगी है। सर, ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो गई है। एक तो पहले ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, ऊपर से खर्चे कम इतने हो रहे हैं कि कहाँ से इतना गुजारा करें घर का, और ऊपर से सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए, तो कहाँ जाएगी दुनिया, क्या खाएंगे, कहाँ खाना बनाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो प्लीज़ सरकार को चाहिए इसकी तरफ ध्यान दें, और ताकि लेडीज़ को इसमें दिक्कत ना आए। ताकि आप जानते ही, हर बार ही ऐसा होता है, लेडीज़ के लिए मोस्टली दिक्कत आती है घर चलाने में उनको, तो सरकार से यही अनुरोध है थोड़ा रेट्स को कम किया जाए, क्योंकि आगे लेडीज़ को घर चलाने में कोई दिक्कत ना आए। अम्बाला शहर के स्टूडेंट भी महंगाई के मुद्दे पर राय देने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार से सवाल किया। इन सबका कहना था कि पेट्रोल के रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को ही होने वाला है। सर, क्या कह सकते हैं, अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके अंदर, तो अब बढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, डलवाना तो है ही है, बट ये है कि थोड़ा सोचना पड़ता है। अब थोड़े से नॉर्मल फैमिली जो हैं, मिडिल क्लास के लोगों को काफ़ी फर्क पड़ता है, हम जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है, पर क्या कर सकते हैं, इसके बिना गति भी नहीं है। अब ये भी नहीं कि हम साइकिल निकाल लें उसके ऊपर हम चल रख सकें, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि इसके बिना गति है ही नहीं है, बढ़े चाहे घटे। बस ये है कि बंदा जो 500 डलवाता था 300 डलवा रहा है, जो 300 डलवा था 100 डलवा लेता है, बस यही फर्क होता है जी, और तो क्या ही है। तो देखा आपने, हर आम से लेकर खास व्यक्ति ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से सवाल किया है, किसी ने राजनीतिक मंशा से सरकार को घेरा, तो किसी ने परिवार की आमदन पर महंगाई की मार को लेकर सवाल किया है। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।